हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें हमने घन, घनाभ अर्थात क्यूब, क्यूबॉइड के क्वेश्चंस को देखा था, उसके हमने फॉर्मूला देखा था कि कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है। इस वीडियो के अंदर हम आयतन, साथ ही साथ सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, अर्थात वक्र पृष्ठ का जो एरिया होता है उसको हम देखेंगे। लेकिन किससे? तो सिलेंडर अर्थात बेलन पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे और देखेंगे कि बेलन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको कैसे डील करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। ये सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो CG के अंदर हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम आया था उसके लिए एक्चुअली मैं इस सीरीज़ को लेके चला रहा था, परंतु ये ऐसा चैप्टर है कि ये सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान में, ये माइंड में रख के चलिएगा कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी होंगे जहाँ पर मैथ्स पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है सिलेंडर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूँ कुछ कुछ, जैसे सिलेंडर का ये पूरा, ये सॉलिड सिलेंडर है, ठोस सिलेंडर है, ठीक है ना। इसमें दे ऊपर देख रहे हैं एक सर्कल की तरह है, तो नीचे भी एक कहीं ना कहीं एक सर्कल की तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर केवल वक्र पृष्ठ या फिर लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँगा तो ये वाला जो पार्ट है ये कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया इसी को कह लीजिए। ठीक है, या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकालने का। लेकिन अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, तो आपको ये वक्र वाला भी साथ ही साथ जो ऊपर में वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है और नीचे में जो वृत्त की तरह होगा, इन सब को जोड़ के ही टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है। ठीक है, और आयतन तो ये पूरा जितने मटेरियल से मिलकर बना है हम उसको आयतन या फिर वॉल्यूम कहते हैं। ये बेसिक चीज़ था। इन सब का फॉर्मूला कैसे होता है ये सब मैं पुराने वीडियोज़ में करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं फटाफट अगर मैं बताना चाहूँ तो अब मैं बता दूँ कि चलिए मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के साथ साथ मैं फॉर्मूला भी आपको कराते चलूँगा तो आपका ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले इसको पढ़ते हैं। प्रश्न है कि यदि एक बेलन अर्थात सिलेंडर का आयतन 3850 घन सेंटीमीटर है और उसकी ऊँचाई मतलब हाइट 25 सेंटीमीटर है तो इसकी आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ईजी है, ठीक है, लेकिन अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले मैं यहाँ पे एक बेलन बना दूँ ऐसे, ठीक है, ये समझ लीजिए एक बेलन है, ठीक है, एक सिलेंडर है। ठीक है, ये लंब वृत्तीय बेलन भी इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर का सर्कल और नीचे सर्कल, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट त्रिज्या हो गया, यहाँ से ये भी त्रिज्या हो गया, ये वाला जो मैं लाइन खींचा ये ऊंचाई हो गया, त्रिज्या को मैं R से डिनोट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ये R होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा ज्वाइन कर दूंगा ये तो व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ था। यहाँ पे आयतन की बात कर रहा है। देखिए मैं आयतन का एक फॉर्मूला मैं हमेशा बताता हूँ, आयतन या फिर वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। किसी भी चीज़ का अगर आयतन पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, तो एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, मतलब ये इस सिलेंडर को, इस बेलन को देखेंगे तो इसका आधार क्या होगा, किसके ऊपर ये रखा हुआ है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना ये उसका आधार हो गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट इसका ऊंचाई हो गया। तो अगर इस आधार का क्षेत्रफल और इस ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो आपको आयतन मिल जाएगा। तो देखिए ये जो आधार है वो कैसा है, वृत्त की तरह है, ठीक है ना, वृत्त की तरह आधार है, सर्कल की तरह है, और इस सर्कल का त्रिज्या कितना लिए हो, आर लिए हो रेडियस, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका जो ऊंचाई है हम इसको एच लिए हैं तो एच हो गया। तो यही हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, एक बेलन का आयतन होता है। बस यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है, बेलन का आयतन दिया है तो वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया फॉर्मूला। आयतन दिया है, ऊंचाई दिया है, आपको आधार का क्षेत्रफल बोला, तो मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या है, आधार का क्षेत्रफल, इसी को निकालना है। इस फॉर्मूला में भी आप रख सकते थे। तो ये हमारा हो गया 3850 बराबर, पाई का वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा क्या है, ये आधार का क्षेत्रफल ही है।
तो आधार का क्षेत्रफल को मैं ए लिख देता हूँ, ये वाले को आप डायरेक्ट ए इंटू एच भी लिख सकते हैं, और इंटू ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, 25 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा 25 एकम 25, इसको काटेंगे तो 154 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 एकम 25 हो जाएगा, 13 बचेगा, 35 हो जाएगा, 25 पंचे 125 10 और ये 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, मतलब जो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे मिलेगा वो कितना मिलेगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये आधार का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये पहला प्रश्न था, तो यहाँ पे हमको क्या समझना है कि आयतन का फॉर्मूला कैसे आया, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, आता कहाँ से, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई से आता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सेकेंड प्रश्न है हमारे पास कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः 660 वर्ग सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात करिए। अब इसको फिर से समझिए, वक्र पृष्ठ क्या होता है, मैंने अभी पीछे बताया था आपको, तो मैं एक बार फिर से सिलेंडर आपके लिए यहाँ पे एक बना देता हूँ। मैं ये मान लो एक सिलेंडर, ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन बोलता है, तो हमेशा ऊपर और नीचे का ये रेडियस आपको बराबर लेके चलना है, और ये ऊंचाई हमको ये जो ऊंचाई मैं बनाया हूँ ये लंबवत होगा, इसीलिए लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660, वक्र पृष्ठ मतलब जो गोल वाला पार्ट होगा ना, इसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेटरल सर्फेस एरिया कहते हैं, LSA मान लेते हैं। ठीक है, या फिर इसी को कर्व सर्फेस एरिया कह लीजिए। ठीक है, वक्र पृष्ठ, कर्व मतलब वक्र पृष्ठ, ये हमको दिया है कितना 660 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला हमेशा बताता हूँ कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको हम कर्व सर्फेस एरिया कहते हैं, ये बराबर होता है आधार का परिमाप। ठीक है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। इससे पहले क्या बताया था, आयतन का, आयतन में बताया था कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलूंगा तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। परिमाप तो आप समझते हो, आधार क्या हमारे पास वृत्त की तरह है, तो इसका परिमाप क्या होता है, ये वाला जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, ये परिमाप है इसका, और क्षेत्रफल बोलता हूँ तो ये पूरा क्षेत्रफल होता है, लेकिन परिमाप बोला तो ये जो सर्कुलर क्षेत्र है, मतलब सर्कुलर वाला ये लाइन है ना, आपको दिख रहा हूँ ड्रॉ करके जो मोटा किया हूँ, ये हमारा क्या है, आधार का परिमाप। और वृत्त जो होता है, ठीक है, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला आई थिंक आप सभी को पता होता है, ये होता है 2πr। ठीक है, तो ये आधार का परिमाप क्या हो गया हमारे पास 2πr, और ऊंचाई को हमने लिया था h, तो 2πrh, यही जो है हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। बस हमको यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करना था। ऊंचाई हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हाइट है ये हमको दे दिया है 10 सेंटीमीटर। लगा देते हैं इस फॉर्मूला में, कर्व सरफेस एरिया 660 बराबर फॉर्मूला होता है 2πrh, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 रख दो, पाई हो गया। आर हमको निकालना है, आर निकालने से पहले एक काम करते हैं, फॉर्मूला को यहाँ पे देखो, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ 2πrh। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 2 और आर को, क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 660 बराबर 2r, इसके बाद पाई का वैल्यू रख देता हूँ 22/7, और h हमको दिया हुआ है 10। ठीक है, ये हो गया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 और r को जब मैं एक जगह रखा तो हमको पता है कि जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना, तो ये हमारा डायरेक्ट ये 2r जो है हमको व्यास मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बचेगा क्या, देखिए ये यहाँ पे, पहले तो मैं ये 10 से ये 10 काट दिया। ठीक है, फिर ये देखिए इस 22 से काट दिया, 22 दिया 66, और यहाँ पे जो 7 है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 के साथ गुना करेंगे, और इधर बचेगा 2r, मतलब 2r बराबर 3 गुना 7, मतलब 21 सेंटीमीटर मिलेगा, और ये 2r ही तो हमारा व्यास है, इसी को तो निकालना है, तो ये 21 सेंटीमीटर हमारा इस बेलन का व्यास हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इससे पहले हमने आयतन पर देखा था फॉर क्वेश्चन, इस बार देखिए हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर देख लिए। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार का परिधि 44 सेंटीमीटर, उस वस्तु का आयतन क्या होगा, हमको आयतन इस बार बताना है, लेकिन वक्र पृष्ठ दिया है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको कि जो वक्र पृष्ठ अर्थात कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला 2πrh होता है। ठीक है, अभी 2πrh में ये 2r क्या था, आधार का परिमाप और ये ऊंचाई होगा, फॉर्मूला क्या बताया था,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार का परिमाप, ठीक है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, यही बताया था। इसी से तो ये फॉर्मूला आया ना भाई, 2πr(h), ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 660 बराबर, इसके आधार का परिधि हमको, आधार की परिधि या परिमाप दोनों सेम ही चीज़ है, तो आधार का परिधि हमको डायरेक्ट ये वाला पूरा पार्ट दे दिया है कितना, या फिर 2πr वाला पार्ट जैसे हमको दिया क्या है, ये आधार का परिधि या परिमाप है 2πr, ये कितना है 44 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे मैं चाहूँ तो 44 सेंटीमीटर रख सकता हूँ, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, उसका आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने से पहले हम इसको क्या, हम h निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिधि इंटू ऊंचाई, इसको अब काटिए, 22 × 46, 22 से काटेंगे तो 22 × 66 = 0, 30 हो जाएगा, और ये 2 से देखिए ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए तो h हमको कितना मिल गया, 15 सेंटीमीटर, हाइट हमको 15 सेंटीमीटर मिल गया, लेकिन आयतन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको क्या, ऊंचाई भी पता हो या त्रिज्या भी, दोनों भी पता होगा तभी तो, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमको पास एच तो मिल गया, आर कहाँ से आएगा, तो आर यहाँ से हम निकाल लेते हैं, कैसे, 2 × π का वैल्यू हो गया 22/7 आर, और 44, देखिए 44 से 22 × 44 तो एक कट गया, इधर बचा एक, 7 और 1 का गुणा कितना हो गया 7, आर कितना, मतलब त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15, ये 7, अब फॉर्मूला लगाते हैं आयतन का, तो ये 22/7 इंटू त्रिज्या कितना अभी हम निकाले 7, तो 7 × 7 और ऊंचाई आ गया 15, ठीक है, ये 7 से 7 काट दीजिए, 22 × 7 = 154 और 15, इनका गुणा करिए, तो 15 × 60 6, 15 × 5 = 75 और 6 81, 8 15 और 8 23, 2310 घन सेंटीमीटर जो है हमारा इस बैलन का आयतन मिला, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं आज का। चौथा प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई और व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, पहले ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, हाइट दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, इसके बाद व्यास मतलब डायमीटर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, 10 और 8, आपसे पूछ दिया है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी फॉर्मूला ही देख लेते हैं, वक्र पृष्ठ का 2πr(h), अभी तो जस्ट बताया था मैं, ठीक है ना, इसी फॉर्मूला रखिए, व्यास के लिए फिर से 2 और r को एक जगह लिख देता हूँ, ये पाई और इंटू एच, ठीक है, ये 2r मतलब व्यास हो जाएगा 2r के जगह ही, इस फॉर्मूले को अगर डायरेक्ट आपको व्यास दिया है ना, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यास मतलब डायमीटर इंटू पाई इंटू एच, या फिर सिंपली सी पाई डी एच, ये भी लिख सकते हैं, ये हो गया डायमीटर व्यास और ये हो गया ऊंचाई, तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तो पाई डायमीटर कितना 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 8 = 80, 80 πr² जो मिला हमको इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिला, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन 13,860 घन सेंटीमीटर है, इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर, उस वस्तु के वक्र पृष्ठ का सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, इस बार हमको आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दे दिया 13,860 घन सेंटीमीटर, ठीक है, इसके बाद आधार की परिधि, क्योंकि बेलन है तो बेलन का आधार कैसा, वृत्त की तरह होता है, तो आधार का परिधि या परिमाप जो कह लीजिए, ये हमको दे दिया, आधार की परिधि कितना होता है 2πr, वृत्त की तरह होता है, इसका दिया 132 सेंटीमीटर, अब उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख लीजिए, ताकि आपको क्लियर होते चले कि कैसे निकले, 2πr(h) होगा, तो देखिए 2πr तो हमको दिया हुआ है यहाँ पे 132, h कहाँ से लाया जाए, ठीक है, इस h को अब निकालने के लिए हमको त्रिगणम यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे आयतन दिया है, तो आयतन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, 2πr से हम पहले यहाँ पे r निकाल लेते हैं, ठीक है, तो शायद यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, देखिए 2π का वैल्यू हो जाएगा 22/7 r बराबर 132, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर इसको काटेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये 2 66 बार में कट जाएगा,
और ये 22 तिया 66 और ये 7 तिया 21, मतलब त्रिज्या जो हमको यहाँ पे 21 सेंटीमीटर का त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो क्या। अब हम आयतन वाले में चलते हैं। आयतन होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। एच हम यहाँ से निकालने का काम करेंगे क्योंकि त्रिज्या मिल गया। आयतन दिया हुआ हमको कितना, 13860 बराबर पाई का वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर मतलब ये हमको पता चल गया यहाँ पे 21 × 21 और यहाँ से निकल जाएगा एच। अब इसको हमको काट पीट करना है। ठीक है, चलिए इसको अगर मैं चलो पहले 11 से काटता हूँ। ठीक है, तो काटेंगे 11 से, तो 11 × 22 कटेगा। 11 से इसको काटिए, 11 × 11 यहाँ पे बच जाएगा 2 और 11 × 22 11 × 66 और ये 0 1260। ये 2 से इसको काट देंगे तो आपको मिलेगा 630 मिल जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 21 तिया 63 यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा तो देखिए ये 7 तिया 21 कट गया। अब ये 3 बचा और इधर 10, तो 3 × 10 = 30। ये एच की वैल्यू अगर देखेंगे पूरा काट पिट के आपको 10 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्मूला है जो लगा दीजिए, तो 2 × पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 क्योंकि हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस फॉर्मूले में लगाओगे क्योंकि हमको यहाँ पे हाइट भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया। ठीक है, तो 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 21 सेंटीमीटर और एच अभी हमने लाया 10। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 7 तिया 21 कट गया हमारे पास, काट पिट के बचा 2 × 22 × 3 × 10। ये 2, 22, 3 और 10 इन सबका गुणा कर दीजिए, 22 × 44 = 30 गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 × 13 1320 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये सब कैलकुलेटिव होता है परंतु यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बनाना होगा। जो भी डाटा दिया होगा उससे जो हम अननोन को निकालेंगे और जो निकालना होता है उसमें वैल्यू को आप रखते जाएंगे तो आपका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला छठवां प्रश्न है कि 42 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन के सतह का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपसे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि जो अगर मान लो ये बेलन है तो इसमें कुल क्षेत्रफल बोलेगा, तो ये जो हमारा वक्र पृष्ठ है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ये भी रहेगा और साथ ही साथ ये और ये दोनों जो आपको आधार दिख रहा है, दो बार आपको वृत्त दिख रहा है, तो इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब सॉलिड सिलेंडर के अंदर आता है, ठोस बेलन के अंदर के आता है। ठीक है, क्योंकि खोखला रहता तो यहाँ पे क्षेत्रफल होता ही नहीं है, तो खोखला रहता, केवल कर्व रहता, परंतु ये ठोस सिलेंडर है। ठोस सिलेंडर में इसका एरिया भी जोड़ेंगे, ये भी एरिया भी जोड़ेंगे और ये तो जोड़ेंगे ही, तब जाके टोटल सर्फेस एरिया मिलेगा। तो जब टोटल सर्फेस, एक वृत्त जो होगा उसका क्षेत्रफल तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है वो बताता हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया में देखेंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी है, साथ ही साथ जो वृत्त है दो बार वृत्त का क्षेत्रफल भी होगा, मतलब 2 πr². ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको पता है 2 πr h प्लस ये हो गया हमारे पास 2 πr², क्लियर है। ये हमारा फॉर्मूला, दोनों को अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हैं या फिर इन दोनों में से कॉमन लेके एक फॉर्मूला बनाया जाता है। 2 πr देखो दोनों में कॉमन है, प्लस h प्लस r, ये जो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया यहाँ से आता है। ठीक है, तो यही हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का देखेंगे तो हमको व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया है। अब हम निकाल देते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला यही है 2 πr × h + r। ठीक है, देखिए इसको अगर ध्यान से देखेंगे ना तो समझिएगा, यहाँ पे 2 और r जो है इसको मैं फिर से एक तरह व्यास की तरह ले सकता हूँ। इस फॉर्मूले को थोड़ा और मैं बनाऊँ तो इसको 2 और r क्या हो गया, व्यास हो जाएगा डायमीटर d इंटू पाई और प्लस इंटू ब्रैकेट में h प्लस r। ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेम ही चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, 42 का आधा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा ऊंचाई। आप फॉर्मूले में रख देते हैं, किसी में भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। इसी में अगर मान लो रख देता हूँ या फिर यहाँ भी रख देता हूँ, डी कितना है व्यास 42, तो हो गया 42, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू ब्रैकेट में देखिए एच प्लस आर मतलब ऊंचाई प्लस त्रिज्या, ऊंचाई है 14, त्रिज्या कितना है 21, 14 और 21 को जोड़ेंगे तो आपको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 35, 7 × 5 = 35 कट जाएगा, बच गया है 42 × 22 × 110। सॉल्व कर दीजिए, एक जीरो हो जाएगा, 11 × 22 2, 11 × 44 और 2 = 46।
4,420 है क्या ऑप्शन में, 4,420 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया कैसे आया मैं ये बता दिया आपको। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न। अब सातवां प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसे नहीं बनेगा, इसलिए मैं बोलूँगा कि ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर कम हो जाती है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा? कमी होगा कि वृद्धि? एक तो इसको मेन कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा, इसके लिए मैं बहुत एक बेहतरीन शॉर्टकट बताता हूँ। बात किया है यहाँ पर आयतन का, ठीक है, आयतन का फॉर्मूला भी मैं क्या बताऊँ बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब देखेंगे तो है क्या, पाई है, आर देखो यहाँ पे दो बार है, तो मैं इसको आर इंटू आर लिखता हूँ, और ऊंचाई एच है। मैं बस बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे तीन वेरिएबल है, मतलब आर जो है दो बार है, एच एक बार है, तीन चीज़ है। ठीक है, अब इसमें कैसे इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है ट्रिक वो समझिएगा। जैसे जो त्रिज्या है वो दिया है कितना, 10% की कितनी कमी बोला है, पहले 10% को भिन्न में निकालेंगे तो 10/100 काटेंगे तो ये 1/10 कट जाएगा, क्लियर है। दूसरा है ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया है, 20% की वृद्धि, ठीक है, 20% को भी भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 काटेंगे तो मिलेगा 1/5। ठीक है, बस याद रखना है कि त्रिज्या में हम कर रहे हैं क्या, कमी, और जो ऊंचाई है उसमें क्या कर रहे हैं, वृद्धि, मतलब बढ़ रहा है, बस इन्हीं दोनों का खेल है। बट समझना क्या है कि यहाँ पे त्रिज्या जो है दो बार है, ऊंचाई एक बार है, तो अब इसका यूज करना है कैसे, देखिएगा ये 10 है, ठीक है, बेसिस जो है 10 मानिएगा, देखिए इसमें हम कमी कर रहे हैं ना, त्रिज्या में कमी किए हैं, तो पहली बार त्रिज्या क्या था, 1/10, तो इसको लिखना कैसे है, ये 10 इसका वास्तविक है, इसमें हम एक कम कर रहे हैं क्योंकि त्रिज्या में कमी कर रहा हूँ ना, तो 10 में एक कम किए तो क्या मिला, ये 9 हो गया। दूसरी बार भी त्रिज्या कितना होगा, 1/10 ही है, त्रिज्या दो बार लेंगे क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला में दो बार वेरिएबल है त्रिज्या, तो ये भी 10 से 9 ही होगा। और तीसरा वेरिएबल क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास कितना है, 1/5, लेकिन हम ऊंचाई में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो ये 5 से ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करना है, इन सब का गुणा करेंगे तो प्रारंभिक वाला आयतन मिलेगा, इन सब का गुणा करेंगे तो बाद वाला आयतन, और इन दोनों का अनुपात मिलेगा, एक्चुअली ये सब अनुपात है। ठीक है, ये वास्तविक भिन्न के रूप में, ये भिन्न किसका है समझिएगा इस बार, कि ये वास्तविक जो आयतन त्रिज्या है वो, और उसमें कमी करने के बाद का त्रिज्या, इन दोनों का अनुपात, ऊंचाई वास्तविक और ऊंचाई में वृद्धि करने के बाद, इन दोनों का अनुपात गुणा करेंगे तो 10^100 कितना हो जाएगा, 500 अनुपात 9×81 = 486। ये हो गया आयतन। ठीक है, क्या हो गया, आयतन, मतलब जो बेलन है उसके वास्तविक आयतन कितना, 500, और नया उसकी त्रिज्या में कमी और ऊंचाई में वृद्धि करने के बाद आयतन कितना हो गया, 486। पुराना आयतन और नए आयतन का अनुपात में आप अंतर को देखिए, तो कमी हो रहा है कि वृद्धि, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 500 से 486, मतलब 14 की कमी हो रहा है। ठीक है, अब इसी कमी को प्रतिशत में बदल देना है, तो 14 की कमी, इसलिए मैं माइनस लगाया हूँ, वास्तविक कितना जो होगा उसको लिख दीजिएगा नीचे, और यहाँ पर कर दीजिएगा 100, ये हमारा प्रतिशत में कमी हो जाएगा। अगर ये वाला इससे बड़ा होता तो वृद्धि हम निकाल देते, लेकिन नीचे हमेशा वास्तविक को रखना है, और ऊपर में जो कमी या वृद्धि होगा वो इंटू 100, ये 2 से 2 0 काट दीजिए, काटेंगे तो माइनस का 2.8% मिलेगा, मतलब माइनस का मतलब हो गया कमी, 2.8% की कमी हो जाएगा आयतन में, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही बनाना जब भी आपसे आयतन में कमी या वृद्धि पूछेगा तब। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनकी और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। देखिए दो बेलन है, ठीक है, देखिए मान लेते हैं पहला बेलन और दूसरा बेलन, इन दोनों के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों के आयतनों का अनुपात निकालते हैं तो पाई, पहले वाले का त्रिज्या R1 मानते हैं तो R1 square, और पहले वाले की ऊंचाई H1 मानते हैं, तो ये हो जाएगा पहले बेलन का, दूसरे बेलन का पाई R2 square इंटू H2। R1 पहले बेलन का त्रिज्या लिया हूँ और H1 पहले बेलन का ऊंचाई लिया हूँ, R2 दूसरे बेलन का त्रिज्या और H2 दूसरे बेलन का ऊंचाई, ऐसा कर दिया। अब इसको काटेंगे देखिए तो पाई और पाई कट गया, हमारे पास बचा R1 square H1 upon R2 square plus H2, यही बचा। अब देखिएगा
त्रिज्याओं का अनुपात 3:4, मतलब पहला बेलन का त्रिज्या R1 जो है 3 और R2 जो है दूसरे बेलन का त्रिज्या 4 लेना है। ऊंचाई में गए तो ये पहले बेलन का ऊंचाई H1 4 और दूसरे बेलन का ऊंचाई H2 9। यहाँ पे बस वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो R1 था 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू H1 कितना था 4, तो हो गया 4। नीचे गए तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इंटू 9, ये 9 से 9 खत्म, 4 एकम 4, 4 चौके 16। हमारे पास दोनों आयतनों का जो अनुपात मिला 1/4 या फिर 1:4, और यही हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 1:4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, यह भी आयतन पर ही आधारित है कि दो बेलनाकार बर्तनों में एक समान पानी भरा हुआ है, यदि उन बर्तनों के व्यासों का अनुपात 2:3 है तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। देखिए, अगर दो बेलन है मान लो, तो पहला बेलन का जो व्यास है D1 मान लिया, दूसरे का D2 मान लिया, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है 2/3, और हमको पता है कि व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, मतलब ये वाले व्यास की जगह 2R1 कर सकते हैं और इस वाले व्यास की जगह 2R2 कर दिए, अनुपात 2/3। देखिए 2 से 2 खत्म। अब यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जो दो व्यासों का अनुपात होगा वही उनके त्रिज्याओं का भी अनुपात होगा। देखो D1/D2 जो था वही R1/R2 हो गया, मतलब हम R1 के जगह 2 और R2 के जगह 3 हम अपना वैल्यू में रखेंगे। अब देखिए, दो बेलनाकार जो बर्तन हैं उनमें एक समान पानी भरा हुआ है, मतलब दोनों का जो है आयतन क्या है, बराबर है। ठीक है, अब दोनों का आयतन बराबर है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा। आयतन बराबर है, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरे के लिए गए तो पाई R2 स्क्वायर H2 कर दिए। ठीक है, उनकी त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग है लेकिन दोनों में बराबर पानी भरा हुआ है तो आयतन बराबर होगा, ये पाई से पाई खत्म। हमको निकालना क्या है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब H1/H2 लाना है। तो ये H1 है, इस H2 को उठा के इधर ले आइए, यहाँ पे क्या था R2 का स्क्वायर और यहाँ पे है R1 का स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा। देखिए R2 कितना है 3, तो ऊपर में हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, R1 कितना है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 9:4, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। तो बेलन पर आधारित मैं 10 प्रश्न ही लिया हूँ और ये हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, यदि उस लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। वॉल्यूम हमको निकालना है। प्रश्न बहुत आसान है लेकिन अच्छा भी है। अब कैसे इसको बनाया जाएगा, पहले समझिए क्या दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं क्या बताया था, याद करिए 2πRH। ठीक है, दूसरा नीचे दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी मैं बताया था क्या, 2πR×H+R, यही बोला था। इन दोनों का अनुपात दिया है 1:2। अब इस अनुपात से अगर समझेंगे तो क्या पता चलेगा कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना भी होगा उसका आधा उसका कर्व पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। जैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 2 है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/2 हो गया ना। बस यहाँ से यही काम करना है। देखिए, उस लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 616, मतलब अगर ये वाला 616 दिया है तो वक्र पृष्ठ कितना होगा इसका आधा, तो 616 का आधा कितना होता है, 308। मतलब हमको यहाँ से दो चीज़ मिल गया क्या, कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRH है ये 308 वर्ग सेंटीमीटर है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR×H+R ये तो हमको क्वेश्चन में ही दिया है 616, ये दो चीज़ हमको दिया हुआ है। अब हमको आयतन निकालने के लिए हमको H और R, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, 2πR का ये दोनों के साथ इंटू कर दीजिए, तो इंटू करेंगे तो 2πRH पहले होगा, ठीक है, 2πRH प्लस 2πR² बराबर हो जाएगा 616। देखिए 2πRH का वैल्यू अभी हमको पता चला 308, मतलब यहाँ पे रख देता हूँ 308
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। इसको उधर ले जाके अगर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 में ये 308 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 308। क्लियर है इतना? अब इसको देखिए, काटिए, दो से काटेंगे तो ये मिलेगा 154। कितना मिलेगा? 154। इसको पूरा भी सॉल्व, एक साथ एक काम करते हैं, इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। 2 पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7, ये वाला, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर और राइट साइड में है 308। इसको अब काटते हैं, ठीक है, काटेंगे कितने से? अगर चलो 22 से अगर काटता हूँ तो 22 एकम 22, यहाँ पे बच गया 8 और 88, मतलब 22 चौको 88, ये 14 मिल जाएगा। फिर इसको देखिए, 2 से काटिए, 2 × 7 = 14, यहाँ पे आर स्क्वायर और नीचे में 7 है तो 7 और 7 का जब गुणा होगा तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, तो मतलब यहाँ पे त्रिज्या आप निकालेंगे तो ये 2 बार है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 मिलेगा, त्रिज्या हमको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर का, त्रिज्या अब मिल गया 7। अब आवाज आती है कि ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जाके हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 308। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, स्पेस कम इसलिए हॉचपॉच हो जा रहा है, आप कहीं से अपने सिक्वेंस में इसको समझते जाइए और लिखते जाइएगा। 2 पाई आर हमको अभी पता चल गया 7, एच निकालना है बराबर 308। इसको सॉल्व करिए, ठीक है, अगर देखेंगे इसको जब काटेंगे पीटेंगे तो चले पहले काट लेते हैं, ये 7 से ये 7 ख़त्म हो गया, ये 22 से कट जाएगा ये 14 बार में, ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, मतलब हमारे पास जो ऊंचाई है वो भी कितना मिला 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या था वो भी कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है आयतन, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7, त्रिज्या 7 7 ही आया तो 7² 2 बार, ऊंचाई भी आ गया 7, ये 7 से 7 ख़त्म, ये 22 × 7 = 49, इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1078। 22 × 49 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1078, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने बेलन पर आधारित, सिलेंडर पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, ऐसे ही मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे टॉपिक का जितने भी थ्योरी वाले होते हैं। तो बेलन देख लिए हैं हम, क्यूब क्यूबॉइड देख लिए हैं, अभी मैं स्फीयर भी लाऊंगा, कोन भी लाऊंगा, हेमिस्फीयर भी लाऊंगा, फ्रस्टम लाऊंगा, सब लाऊंगा, धीरे धीरे सबके क्वेश्चन कुछ ना कुछ मैं करा दूंगा ताकि एग्जाम में जाने से पहले आपको एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं, कोई नोटिफिकेशन का डिस्कशन करते हैं, डाउट क्लियरेंस हम सब मिलके करते हैं, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।